गुड आफ्टरनून. हाँ जी, तो ऑडिट में हमारे पास आज सबसे पहले करने के लिए है अमेंडमेंट्स, बराबर. तो अगर अमेंडमेंट्स आप देखोगे आरटीपी से तो घबरा जाओगे, डरोगे. देखी नहीं होगी आरटीपी अपन ने, इसीलिए नहीं देखे हैं कि डर जाएंगे, है ना. आरटीपी के स्टार्टिंग के बहुत सारे पेजेस, 40-50 के आसपास, उससे ज़्यादा ही होंगे, उन सब में आपको दे के रखे हुए हैं बेसिकली अमेंडमेंट, बराबर. प्रैक्टिकली उतने अमेंडमेंट नहीं हैं, तो सर दिए क्यों उन्होंने? मर्जी उनकी, अपन उनकी मर्जी को रोक तो नहीं सकते. प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईसीआई हर बार दे रहा है, मतलब पिछले दो आरटीपी भी उठा करके देखोगे तो आपको स्टार्टिंग के 12-15 पेज तो वही दिखेंगे, जो खास करके अपना सेक्शन है 143(12) वाला, जिसपे अपन फ्रॉड पे रिपोर्टिंग करते हैं. पढ़ा हुआ है अपन ने? भूल गए? कंपनी ऑडिट में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, बराबर, प्रोसेस के थ्रू 60 डेज में. और अगर उससे कम का फ्रॉड है, 1 करोड़ से कम का, तो अपन या तो फिर ऑडिट कमेटी या फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे. तो वो प्रोविजन हर बार इंक्लूड करता है ऐसे ही अपने आरटीपी में, इस बार भी किया है. दूसरा, कॉस्ट ऑडिट वाला जो अपना पोर्शन है उसको भी हर बार इंक्लूड करते हैं, इस बार भी किया है. कारो 2016 ऑलरेडी आ चुका है, पहले से अमेंडेड है, इस बार भी किया है. ऐसे 610 ऑलरेडी अमेंडेड है, फिर से उसके अंदर डाला है, तो इसीलिए अपना मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. दूसरा रीज़न ये कि जिन 3 ऐसे में अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आईसीआई ने पूरे पूरे लिख दिए हैं आरटीपी में, पूरे लिख दिए, पूरे छाप दिए. इस वजह से अपना मैटर बहुत बढ़ गया, जबकि पूरा चेंजेस है ही नहीं, सब में सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट चेंज हैं, बाकी सेम टू सेम है. तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड मैंने किए हैं इस वक्त में, उनमें वो सारे चेंजेस अपन ने लिख दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. तो अपन बात करना सीधा शुरू करते हैं इसके ऊपर. सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो, कंपनी ऑडिट में एक चेंज है, बराबर. और कंपनी ऑडिट का जो हमारा चेंज है, इसको दे देना और ये ऑन कर देना. हाँ, अब कंपनी ऑडिट का हमारा जो चेंज है, अभी जो मैंने आपको लेटेस्ट बुक दी है, बुक ले ली आप सब लोगों ने, नई वाली जो बुक थी अपनी, भाई पहले तो आपको मैंने प्रिंटेड नोट्स दिए थे, उसके बाद में बुक दे दी थी इसकी पूरी, उसमें मैंने ये अमेंड करके ही दिया है आपको सेक्शन. कौन सा वाला, चेक करते हैं सेक्शन को. सेक्शन है 139(2), रोटेशन ऑफ ऑडिटर. याद है भाई अपने को ये सेक्शन के, भूल गए? कुछ ऐसी कंपनीज हैं, स्पेसिफिक कंपनीज, जिनमें ऑडिटर अगर इंडिविजुअल है तो 5 ईयर के बाद उसको 5 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, और फर्म है तो 5 ईयर्स की 2 टर्म के बाद ब्रेक लेना पड़ेगा, बराबर. अब वो कौन सी कंपनियां हैं, उसकी एक लिस्ट थी पूरी अपने पास. सबसे पहले तो था लिस्टेड कंपनियां, के भी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको अपन ने ये बोला. उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका कैपिटल पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो. फिर प्राइवेट कंपनीज, पुराना एक्ट जैसा आप लोग वहां देख रहे हो, मैंने ओल्ड प्रोविजन आपको दिया है, पुराने में लिखा हुआ था वो प्राइवेट कंपनियां जिनका कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा हो, बराबर. लेकिन नए में क्या चेंज कर दिया, आप लोग अपना फर्स्ट चेंज वहां से देखो, 20 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया, 50 करोड़, बराबर. 20 करोड़ से बढ़ा करके 50 करोड़, यानी अब 50 करोड़ या उससे ज्यादा वाली कैपिटल वाली जो प्राइवेट कंपनीज हमारी हैं, बराबर, उन्हीं को ये रोटेशन वाला रूल फॉलो करना है, बाकी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ऐसा क्यों किया होगा, एक चीज बताओ. रोटेशन वाला जो पॉइंट अपना है बेसिकली, इधर रखना, रोटेशन वाला पॉइंट अपन किस में चाहते हैं कि ऑडिटर रोटेट हो, और अच्छा हाँ, इंडिपेंडेंसी की वजह से अपन चाहते हैं कि अपना ऑडिटर चेंज हो, ताकि एक ही ऑडिटर जिंदगी भर कंपनी की ऑडिट नहीं करे. तो अपने को खतरा ज्यादा किस में है, पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी, किस में आप चाहते हो कि फंड ज्यादा लगे हुए हैं तो सेफ्टी रहे, पब्लिक कंपनी में. तो पब्लिक कंपनी को तो हमने बोला भैया 10 करोड़ या उससे ज्यादा की कैपिटल है तो रोटेशन डालो, लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या बोला,
50 करोड़ या उससे ज्यादा की कैपिटल हो तो रोटेशन वाले पॉइंट फॉलो करो, अदरवाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरी एक और कंडीशन थी, वो बताओ। ऑल कंपनीज, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, जिनका बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स कितना 50 करोड़ और मोर, बराबर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक है, बराबर। तो ये एक पहला बड़ा अपना चेंज है, अपने को ध्यान रखना है। याद रखिए, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी एक चीज बोली थी, 139(2) को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट से अलग रखना। देखने में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट भी ऐसी है, कौन सी, लिस्टेड कंपनीज, उसके अलावा पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या ज्यादा, और बोरिंग्स मोर देन 50 करोड़। याद आ गया, बराबर। तो दोनों बिल्कुल सेपरेट पॉइंट है। अमेंडमेंट जो हुआ है वो रोटेशन वाले पॉइंट में है, जैसा आप लोग देख रहे हो। तो एक तो अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सीधा सा पोर्शन है, बराबर। अब सेकंड पॉइंट मेरे पास में जो अमेंडमेंट देख रहे हो वो है सेक्शन 143(3) में। आप लोगों को जो बुक मैंने दी है उसके पेज नंबर 65 पर अपना एक रूल 11 है कि ऑडिट रिपोर्ट में अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट ऑडिटर को क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं डिस्क्लोज, बराबर। उसमें एक रूल 11 दे रखा है अपने को, देखो आप वहां से मिला सब लोगों को, है ना, रूल 11 दे रखा है, ऑडिट रिपोर्ट अदर डिटेल्स रूल 11 मिल गया। अब 11 में आप लोग देख रहे हो तीन पॉइंट आपको ऑलरेडी वहां पे दिए हुए हैं, मिले भाई तीनों पॉइंट। ऑडिटर को कमेंट करना, सॉरी रिपोर्ट करनी पड़ेगी अगर कंपनी पर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस चल रहे होंगे, केस वेस चल रहे हो। दूसरे नंबर पे कंपनी ने जो प्रोविजंस बनाए होंगे, क्यों बनाते हैं प्रोविजन, जानते हो ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, टैक्सेशन है, लॉसेस के लिए, उस पर रिपोर्ट करनी है। और तीसरा नंबर, कंपनी ने इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में पैसा जो डिपॉजिट करना था किया कि नहीं किया, उस पर रिपोर्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है। तीन पॉइंट दिए, चौथा पॉइंट यानी फोर्थ नंबर और ऐड हो गया है, जो आप लोगों के अमेंडमेंट नोट्स में मैंने लिख दिया है। मैंने वहां क्लियर लिख दिया है, इन सेक्शन 143(3) विच हैव थ्री पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट हेयर बाय इंसर्टेड। मिला भाई, चौथा पॉइंट कौन सा है, देखो बहुत मस्त वाला पॉइंट है, बराबर। मोदी जी याद आएंगे आपको इधर, वेदर द कंपनी हैड प्रोवाइडेड रिक्विजिट डिस्क्लोजर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टू होल्डिंग एज वेल एज डीलिंग इन स्पेसिफाइड बैंक नोट, कौन से बैंक नोट, पुराने वाले, कौन से, 100 रुपए के, 10 रुपए के, 500 और 1000 वाले, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8th November 2016 टू 30th December 2016, एंड इफ सो वेदर दीज आर अकॉर्डिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द कंपनी। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पहली रिक्वायरमेंट तो डाली है इस प्रोविजन से मैनेजमेंट पर, क्या रिक्वायरमेंट डाली भाई मैनेजमेंट पे, 8th नवंबर 2016 से लगा करके 30th दिसंबर 2016 तक पुराने करेंसी नोट में जो भी आपने डीलिंग की और जितने बैंक में डिपॉजिट किए, उन सबको आपको अपने बुक्स में डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और वो किया है कि नहीं किया है उस पर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बात इंक्लूड करनी पड़ेगी। अपन तो ऑडिटर की ड्यूटी पड़ रहे हैं ना, तो डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसकी जिम्मेवारी है, मैनेजमेंट की, कंपनी की। और वो बराबर किया कि नहीं किया उस पर रिपोर्ट कौन इंक्लूड करेगा, ऑडिटर इंक्लूड करेगा। तो एकदम नया पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना है। आप जानते हो उन दिनों में कंपनी ने पुराने नोट में डीलिंग्स भी की होगी कि नहीं की होगी, सर लेकिन नोट तो बंद हो गए थे। अरे कुछ जगह अलाउड भी तो थे, कहाँ थे, पेट्रोल पंप पे अलाउड थे, हॉस्पिटल्स में अलाउड थे, और भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह भरना है, बिजली का बिल भी ले, सब जगह अलाउड थे, तो वो किए होंगे और बाकी के बैंक में डिपॉजिट किए होंगे, तो वो सबका डिटेल भी देना जरूरी कर दिया। अभी इन्फोसिस का ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है, उसमें भी अगर देखोगे तो बकायदा कॉलम बना के उन्होंने शो किया है कि इस टाइम पीरियड में हमारे पास इतना कैश था और इतना हमने यूटिलाइज किया, इतना हमने बैंक में डिपॉजिट किया, और ऑडिटर को उस पर अपनी रिपोर्ट में बात लिखनी पड़ेगी। ये एक नया पॉइंट अमेंडमेंट की तरह से इंक्लूड हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आने के चांसेस भी बन सकते हैं इसके ऊपर। आप जानते हो कि एकदम गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड पॉइंट है ये, तो बढ़िया पॉइंट है। तो इस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छा से आप लोग पढ़ करके जाएंगे, सीधा सीधा पोर्शन है, बराबर। तो कंपनीज एक्ट में तो बेसिकली ये दो ही चेंजेस हैं, बाकी कोई चेंज इस अटेम्प्ट के लिए नहीं है, जो हो चुके थे पहले ही हो चुके थे।
अब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में तीन स्टैंडर्ड में आपको चेंजेस दिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तीन कौन से हैं? सबसे पहले आप देख रहे हो ऐसे है 260, दूसरा ऐसे है 570 और तीसरा है 610। 260 वाले का नाम क्या है? कम्युनिकेशन विद TCWG, दो चार्ज विद गवर्नेंस, अपन जानते हैं। क्या हमने 260 में कभी ये पढ़ा है कि अपन TCWG को क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करते हैं इन जनरल? बताओ, एग्जाम आप तो सर पे हैं, अब तो आपको पता होना चाहिए कि TCWG को अपन क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं। बोलो, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, वो तो वीकनेसेस वाले में करते हैं ना अपन उससे पहले। बट ऑब्वियस है कि जब अपन ऑडिट को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने को रूल्स रेगुलेशंस पता करने हैं वो सारे उनसे डिस्कस करते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द ऑडिट अगर कोई चीज़ और पता लगती है तो वो भी डिस्कस करते हैं अपन। तो इसमें नया पॉइंट क्या आया, उस चीज़ को समझो। इन मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, न्यू पॉइंट हेयर बाय इंसर्टेड। ठीक है, तो अब आप देखो अपनी अपनी बुक में से 260 निकालो एक बार, पता रहे आपको पेज नंबर 155 पे दे रखा है आपको, बुक के पेज नंबर 155 पे आपको दे के रखा है। क्या दे के रखा है? कम्युनिकेशन दो चार्ज विद गवर्नेंस। अब इसमें आप देखो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, देख रहे हो पहला हेडिंग मैंने लगाया है द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा सर ये काम मैं करने वाला हूं। दूसरा नंबर प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, अपन वो करते हैं ना, कौन सा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट NTE वाला पॉइंट, बराबर। तीसरा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये कब पता लगेंगी? जैसे जैसे ऑडिट प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगा जो जो फाइंडिंग्स लगी और उनमें अगर कोई मटेरियल चीज लगी तो बट ऑब्वियस वो भी बताएगा। ठीक है, फिर दे रखा है एडिशनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अलग कंसेप्ट हो गया, बराबर। अब इसके साथ में एक नया पॉइंट और ऐड हुआ RTBA में, क्या किया, पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए अपने को लगता है बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है, पॉइंट खाली एक ही ऐड हुआ है। वहां से मेरे साथ में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वेन एवर ऑडिटर कम्स टू नो अबाउट की ऑडिट मैटर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑडिट ही हैज टू कम्युनिकेट टू TCWG। अंडरलाइन कर लो जिस पॉइंट को, की ऑडिट मैटर, बराबर। अगर ऑडिटर को कहीं पर भी ऑडिट करते हुए की ऑडिट मैटर्स के बारे में पता लगा तो वो उसको TCWG को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सवाल क्या खड़ा हुआ सर, की ऑडिट मैटर्स होते क्या है? पढ़ो, माने वो भी दिया है वहां पे, व्हाट इज की ऑडिट मैटर, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमारा पुराना पॉइंट है ना, आप लोग सब जानते हो ROMMS, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पुराना कंसेप्ट है हमारा, सब आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे 300 वाली सीरीज के अंदर अपने इसको देखा है। इन जनरल बात करूं तो भाई कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है, वीक है तो बट ऑब्वियस है रिस्क ज्यादा होगी, और वो भी अगर मटेरियल है इंपॉर्टेंट वाली है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो उसको कम्युनिकेट करनी है TCWG को, बराबर। तो हमने इन पूरे को नाम क्या दिया, की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर में तीन चीजों को मेनली इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, अच्छा अपन आज तक सर, आप भी पहले भी तो कम्युनिकेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, एक नया ऐसे आया है SA701, हमारे लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए पास कर लेना, अगले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है 701, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट स्पेशल आई है और उसमें ये कहा गया है कि आपको ये बताना। देखो रिस्क कैलकुलेट करना तो हमारा काम था, वीकनेस बता रहे थे अभी तक तो अपन, लेकिन अब अपन TCWG को क्या बताएंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम बताएंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा है, मोर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब बुक्स में हमको बहुत ज्यादा एस्टिमेट दिखाई दे रहे हैं और एक्चुअल चीजों की जगह हर जगह मैनेजमेंट ने क्या लगा रखे हैं, एस्टिमेट, वो भी हम बताएंगे TCWG का, कि सर फिर हम रियल पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे, रियल की जगह आपने हर जगह पे क्या लगा के दिया है, एस्टिमेट, वो बताना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो की ऑडिट मैटर। तीसरे नंबर पे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द ऑडिट, और अगर ऑडिट ड्यूरिंग पीरियड में कोई ऐसी चीज हुई, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट जो हमारे ऑडिट पर क्या डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, अनयूजुअल थिंग्स हो गई, कोई लिटिगेशन हो गया है ना किसी तरह का, जो लग रहा है हमारी ऑडिट में हमारी रिपोर्ट क्वालिफाइड, सॉरी अनक्वालिफाइड होते होते अचानक से लग रही है,
कि क्वालिफाइड की तरफ जा रही है तो उस पर भी अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको अपन बोलते हैं की ऑडिट मैटर। अच्छा, नाम से पता लग रहा है, याद है लॉ में पढ़ते हो की मैनेजरियल पर्सन, क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द मैनेजमेंट। तो की ऑडिट मैटर का मतलब क्या हुआ? सम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, सम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बाय ऑडिटर, ठीक है? तो वो सब चीजें अपने को कम्युनिकेट करनी है, किसको? TCWG को, बराबर? अपना ऐसे यही है, 260 ऐसे का नाम ही क्या है, कम्युनिकेशन टू TCWG, बराबर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है मैंने, वो भी देखो। रिपोर्टिंग ऑफ की ऑडिट मैटर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद SA 700 रिवाइज सीरीज विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर November 17। अब थोड़ा सा अजीब बात हुई है, दो जगह पे अजीब बात है। क्या अजीब बात है वो सुनो। आपको कहा गया कि भाई आपके ऊपर ऐसे 260 नया वाला लग रहा है, हमने नया वाला पढ़ लिया, नए वाले में बोला की ऑडिट मैटर होते हैं, आपने पढ़ लिए। अब ये की ऑडिट मैटर कहाँ लिखे जाते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में। कौन सी ऑडिट रिपोर्ट में? SA 700 के हिसाब से जो बनती है। कौन सा SA 700 जो हमने पढ़ा? वो नहीं, चेंज हो गया है, सारे 700 वाली सीरीज चेंज हो चुकी है, सारी रिवाइज हो चुकी है। यानी हमने जो अब तक परफॉर्मा पढ़ा वो सिर्फ हमारे तक ही है। अब जो नवंबर में अपन यूज देने वाले हैं आगे के लिए, ऑडिट रिपोर्ट का जो अपना परफॉर्मा हुआ करता था ना, वो सारा चेंज हो चुका है, बराबर। लेकिन हमारे ऊपर अभी तक नया वाला 700 अप्लाई नहीं है नवंबर अटैम्प के लिए, इसीलिए प्रैक्टिकली 260 का ज़्यादा यूज भी नहीं रहा। 260 कहता है नया पढ़ो लेकिन 700 पुराना पढ़ो, तो इसीलिए थोड़ा सा ये इलॉजिकल है, पर जो भी है फिलहाल अमेंडमेंट ये है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट बिल्कुल इसी तरह का आया 570 गोइंग कंसर्न में। अब गोइंग कंसर्न आपका एक ASB है, नहीं है? हाँ, उसी में दे रखा है, बराबर, AS1 में। अब सवाल ये कि गोइंग कंसर्न पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या कहता है कि भैया अगर कंपनी के गोइंग कंसर्न में किसी तरह की दिक्कत लग रही है, बताओ, मैनेजमेंट को बोलो भैया डिस्क्लोज करे, ऑडिटर बोलेगा। अब अगर आप अपनी बुक में से 570 वाले पॉइंट पे आओगे तो देखो एकदम सिंपल एक चीज पता लग रही है आपको, वो बताता हूं। वो 570 पे आ जाओ, हाँ जी, पेज नंबर है 195, देखो क्या लिखा है। अच्छा, गोइंग कंसर्न का एजम्पशंस तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, 11th में सिखाते हैं ये तो, कि भैया मान के चलो ऑलवेज गोइंग ऑन, हमेशा चलने वाला है, गोइंग कंसर्न है। अब सवाल ये, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि गोइंग कंसर्न खतरे में है? तीन इंडिकेटर है वहां, देखो। पहला इंडिकेटर है फाइनेंशियल इंडिकेटर। फाइनेंशियल इंडिकेटर लिखा हुआ तो पूरा है वहां, लेकिन एकदम सिंपल बताओ मुझे, कंपनी को लग रहा है हमारे पास में एसेट्स कम हो रही है, हमारे पास बायबैक करने के लिए CRR VRR की भी फैसिलिटियां है नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? एसेट्स लॉस आपने बता ही दिया, बिजनेस के अंदर भी हमको लॉस हो रहा है, तो ये सब किस बात के इंडिकेटर्स हैं? ये हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में है। कल को ये सब सही है, लेकिन ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स हैं। अगले पेज पे देखो, ऑपरेटिंग इंडिकेटर है। ऑपरेटिंग इंडिकेटर में क्या हो रहा है? हमारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की आपस में बन नहीं रही है, नहीं बन रही है, रॉ मटेरियल हमको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मशीनरी हमारी काम नहीं कर रही है, तो भी गोइंग कंसर्न को खतरा है, ठीक है। तीसरा एक और दे रखा है आपको, अदर वाला। अदर वाले में क्या हो रहा है? लॉ चेंज हो गया। सर हमने बढ़िया बढ़िया प्लांट लगाया और अचानक लॉ चेंज हो गया, लॉ चेंज होने की वजह से खत्म, या कोई लॉ हमने फॉलो नहीं किया जिसके वजह से गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो अपनी बालोतरा वाला एग्जांपल था ना, पॉल्यूशन वाला प्लांट हमने लगाया नहीं, गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया, फैक्ट्री को बंद करो, तो ऐसा कुछ है तो गोइंग कंसर्न को खतरा दिख सकता है, ये सब वहां लिखा हुआ है। अब सर अमेंडमेंट क्या आया ये बताओ, इसमें अपन करते क्या थे पहले वो समझो। इसमें अपन करते सिर्फ इतना थे कि हम मैनेजमेंट से इस पर डिस्कस करते हैं और मैनेजमेंट को बोलते भैया आप इस चीज़ को अपने बुक्स में डिस्क्लोज करो कि हाँ भाई अभी तक ये पोजीशन है लेकिन आगे कंपनी के चलने पर खतरा है। अगर मैनेजमेंट इस बात को मान जाता तो अपन कौन सी रिपोर्ट देते? अनक्वालिफाइड, बोलो भाई। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग
ट्रू एंड फेयर व्यू, और ट्रू एंड फेयर व्यू है मैनेजमेंट एडमिट कर रहा है कि गोइंग कंसर्न खतरे में, बिल्कुल सही बोल रहा है। बाय चांस मैनेजमेंट मना कर दे, नहीं हम तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो फिर हम क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, बराबर। अच्छा, कई बार अनसर्टेनिटी भी होती है, अनसर्टेनिटी बोले तो हमको लग रहा है कि गोइंग कंसर्न पे खतरा है। हमने जब ऑडिट किया तो हमको लगा कि भाई गोइंग कंसर्न पे दिक्कत है, मैनेजमेंट को लग रहा है नहीं सर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने कहा यार डाउटफुल है मैटर, चलो डाउट्स तो डिस्क्लोज कर दो आप ऑडिट अपने वहां पे। अच्छा, मैनेजमेंट इसको कहाँ दिखाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देगा। मैनेजमेंट उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर से हमारी वही बात होगी, मैनेजमेंट तैयार है तो अनक्वालिफाइड, नहीं तैयार है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। ये एक्चुअल में होता है आपका गोइंग कंसर्न का पॉइंट। अब नया क्या आया वो देखो, रिपोर्टिंग ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटी, जो मैं अभी बोल रहा था आपको, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 570, इफ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन विच मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी कंडीशन है जिससे हमको लग रहा है डाउट है, क्या डाउट है कि भाई गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगा इससे, श्योर नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब आप सब जानते हो, मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है और, तो ये हमको डाउट है यार, क्या पता हो सकता है, क्या पता नहीं हो, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ऑडिटर हैव टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन ऑडिट रिपोर्ट मटीरियल। तो नया पॉइंट क्या आया, इफ देयर इज एनी मटीरियल अनसर्टेनिटी ऑडिटर हैव टू डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट। अब सबसे बढ़िया बात, आगे पढ़ो इंटरेस्टिंग फैक्ट। रिपोर्टिंग तीन तरह से करनी है, तीनों तरीके देखना आप लोग, मैं पढ़ रहा हूं वहां से। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देनी है, व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडिक्वेट। क्या बताया था मैंने आपको, बोलो, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज करने को तैयार है, तो कौन सी रिपोर्ट देंगे, अनक्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड। आगे बोलो, क्वालिफाइड कब देंगे, व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेट ड्यू टू इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, मतलब उन्होंने डिस्क्लोज प्रॉपर नहीं किया, किया तो है लेकिन मिसलीड कर रहा है, तो फिर कैसी रिपोर्ट देंगे, क्वालिफाइड देंगे। तीसरा पढ़ो, एडवर्स कब देंगे, व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड नॉट डिस्क्लोज, मैनेजमेंट डिस्क्लोज करने से मना कर रहा है, तो फिर अपन कौन सी देंगे, कौन सी देंगे, कौन सी, एडवर्स, बराबर। अब देखो, बट ऑल टाइप्स आर अकॉर्डिंग एसए 700 रिवाइज सीरीज विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 17। तो सर फिर अमेंड क्यों किया, वो जाने, अमेंड करने वालों ने तो ऐसे भी अमेंड किया और साथ में 700 की सीरीज भी अमेंड की, इन्होंने ऐसे 260 और 570 तो अमेंड कर दिया, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग जहाँ पे होती है आपके आरडीपी में, रिपोर्टिंग के मेथड्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन दिए हैं रिपोर्टिंग के, लेकिन वो सारे कौन से तरीके के, आपको याद है अपन ये रिपोर्टिंग पहले कहाँ करते थे, इम्फेसिस मैटर पैराग्राफ याद है, बोलो, ऐसी शक्लें मत बनाओ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी, बोलो सर ऑडिट में हम ओपिनियन के अलावा एक पैराग्राफ लिखते थे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ऐसा कोई मैटर है जिस पर हम चाहते हैं कि रिपोर्ट तो क्वालिफाई नहीं करें लेकिन हमारे यूजर्स का उस पर ध्यान जाए, उसको बोलते थे। अब वो चेंज होकर के उन्होंने ऐसे बना दिया है, ठीक है ना, बकायदा जैसे अपन ने ऊपर वाला पढ़ा की ऑडिट मैटर, तो आप वहां से देखोगे तो अलग से हेडिंग लगेगी की ऑडिट मैटर की, है ना, और उसी तरह से अपनी रिपोर्टिंग भी होगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात, नया वाला रिपोर्टिंग अपने कोर्स में नहीं है, तो सर कितना पढ़ के जाना है, रिपोर्ट्स तो सब पुरानी पढ़ के जानी है, लेकिन ये सारे पॉइंट जरूर ध्यान में रखने हैं आपको जो जो चेंजेस हुए, बराबर। अब तीसरा चेंज हम ऑलरेडी बुक से पढ़ चुके हैं, 610 था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और देखो मैंने क्या लिखा है। अच्छा, आप जानते हो इंटरनल ऑडिटर का जब आप ऐसे निकालोगे अपनी बुक में से, तो दो तरीके से अपन उसके काम को यूज करते हैं, देखो निकालो दोनों तरीके कौन से हैं। स्कोप में पहला पॉइंट लिखा है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, मतलब उसके काम को हम यूज करेंगे। दूसरे में क्या बोला है, देखो, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड, क्या लिखा है,
direct assistance under the direction, supervision and review of external auditor. क्या आप मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? पहले वाले में, दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में हम उसके काम को जहां जरूरत होगी सिर्फ यूज करेंगे, दूसरे वाले में हम खुद ही उसको डायरेक्शन देंगे, भाई हम स्टेटरी ऑडिटर हैं, हम उसको बोलेंगे बेटा हमारे लिए काम करके दे, एसेट्स का वैल्यूएशन तू करके दे हमको, बोल सकते हैं अपन। ये पॉइंट ही नया रिवाइज हुआ था जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बराबर। अच्छा, इसका डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? यहीं इसी ऐसे में, इसी ऐसे में अपनी बुक में, जब आप पेज नंबर 201 पर आओगे तो मैंने ऊपर हेडिंग दिया है यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अच्छा, ये काम इतना आसान नहीं है, आपको दो काम करने पड़ेंगे इसके लिए, बहुत सिंपल काम है दो। सबसे पहले तो रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा एनडीटी के साथ में, एनडीटी जिसकी अपन ऑडिट करने जा रहे हैं। क्या रिटर्न एग्रीमेंट करें? सर हम आपके इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और वो हमारे असिस्टेंट की तरह काम करेगा, आप उसकी परमिशन दो। तो उनका इंटरनल ऑडिटर है ना, हमारा थोड़ी है। दूसरा एग्रीमेंट किसके साथ? उस इंटरनल ऑडिटर के साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई वो हमारे डायरेक्शन और सुपरवाइज में जो काम हम बोलेंगे वो करेगा और कॉन्फिडेंटली करेगा। यहाँ कॉन्फिडेंटली का मतलब वो कॉन्फिडेंटली नहीं, कॉन्फिडेंशियली, नॉट कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास वाला नहीं, हाँ मतलब सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करके रखेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा, ऐसा एग्रीमेंट अपने को करना पड़ेगा। तो बस यही वाला ना, ये पहले ही अमेंड हो चुका था, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बस ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, बराबर। तो ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा खास अमेंडमेंट्स नहीं है, आरटीपी को देख करके अपने को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो 139(2) का अमेंडमेंट हो गया, बराबर, सिंपल लिमिट प्राइवेट कंपनीज की 20 करोड़ से बढ़ करके 50 करोड़ हो चुकी है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि लिमिट चेंज हुई है, ठीक है। दूसरा नया डिस्क्लोजर आ गया रूल 11 के हिसाब से, ऑडिट रिपोर्ट में 500 से 1000 के नोटों का कंपनी ने क्या किया, कौन सी तारीख से बीच में, 8 नवंबर 2016 से लगा करके 30th दिसंबर, नॉट 31st, ध्यान रखना, क्या दे रखा है, 30th दिसंबर 2016, वो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और तीन ऐसे अपने को बस थोड़ा सा देख करके जाने, ध्यान में रखोगे, अच्छा पॉइंट है। चलिए अब छोटे मोटे से पॉइंट्स है जो पहले आ गए थे पर अपने नोट्स में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अपना जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल्स होता था, कॉस्ट ऑडिट वाला, कंपनीज एक्ट में जो अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 148, उसके साथ अपन पढ़ते हैं, उसमें छोटे मोटे पॉइंट है। देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किसी को याद है क्या कौन करता है? पता था क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की। वो कितने टाइम में होना चाहिए वो देख लो, क्या लिखा है, 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जिन कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट जरूरी है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के 180 डेज में अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। छोटा सा एक पॉइंट मैंने ऐड किया जो अपने नोट्स में नहीं था, ध्यान रखना। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने डाला है, कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव भी कर सकते हैं, ये अपना ऑडिटर वाला पॉइंट भी था। देखो कॉस्ट ऑडिटर को कैसे रिमूव करना है, द कॉस्ट ऑडिटर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, क्या लिखा है, थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन निकालने से पहले उसको क्या करोगे, सुनवाई का मौका, यानी कि हियरिंग का चांस। देखो लिखा है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट टू द कॉस्ट ऑडिटर एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर सच रिमूवल इन राइटिंग। तो सवाल बना कि भाई क्या कॉस्ट ऑडिटर को भी आप उसके टाइम से पहले हटा सकते हो क्या? हाँ हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके हटा देंगे, लेकिन उसको रीजंस बताएंगे और साथ में हियरिंग का चांस देंगे। एक और काम करना पड़ेगा, हटाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, सर उसको हटा दिया है, नया भेजो, क्योंकि नया अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, सीजी करेगी। देखो, कंपनी हैव टू इन्फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। अच्छा, आपको क्या ये याद है क्या, किन कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस नहीं लगते हैं, स्पेसिफिक नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, निकालो अपने नोट्स में से, 148 वाला सेक्शन देखें, निकालो कंपनी ऑडिट का पोर्शन आप लोगों की बुक में से और बताओ मुझे इसका आंसर फटाफट से। मिला भाई सबको कि बताऊं मैं? हाँ
मिला मिला 148 दे रखा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट पेज नंबर 70 पे। क्या दो कंडीशन है बताओ? हाँ, ऐसी कंपनी जिसके रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज कितना है, टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है, उन पर नहीं लगता कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन। और बताओ, जो सेस से कनेक्टेड है, स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बना रखा है उससे जो कनेक्टेड कंपनीज हैं उन पर कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन नहीं लगते। इसी में जोड़ दिया गया है एक नया पॉइंट, तीसरा नंबर, चेक करो, वन मोर प्रोविजन हेयर बाय इंसर्टेड। मैंने लिखा है अमेंडमेंट नोट्स में, क्या लिखा हुआ है यहां पे, कंपनी विच इज, क्या लिखा है, एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैपिटिव कंजम्पशन थ्रू कैपिटिव जनरेटिंग प्लांट। पढ़ा भाई आप लोगों ने, क्या लिखा हुआ है, ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं कहां से, कैपिटिव जनरेटिंग प्लांट से, उनको भी हमने दे दिया एग्जम्पशन कि भैया कॉस्ट ऑडिट मत करो अपनी। सर ये कैपिटिव जनरेटिंग प्लांट क्या होता है, दिया है मैंने मीनिंग, मुझे पता था दिक्कत आएगी। इट मींस अ पावर प्लांट सेटअप बाय एनी पर्सन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली फॉर हिज ओन यूज, है ना। नॉर्मली अपने को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड देता है, गवर्नमेंट देती है। अब सोचो एक्सेल अकेडमी अपना खुद का पावर प्लांट लगा ले, हम खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो कैपिटिव प्लांट हो गया। हाँ, हम नहीं करेंगे ये, बराबर, क्यों, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसको चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए, तो खुद का ही कैपिटिव जनरेटिंग प्लांट लगा लेते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ये सिस्टम के अंदर वो कवर हो जाएंगे और उन पर भी कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक और बढ़िया चीज़ बताऊँ, ये तो मैंने एक लाइन लिख दी, मीनिंग लिख दिया। कई बार क्या होता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इस तरह का कैपिटिव जनरेटिंग प्लांट लगा लेती है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको काम में कौन लेता है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाती है, बराबर, तो वो भी इसी में कवर है। तो अच्छा, हालांकि अपन कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, जो कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको खाली, बराबर, तो इन पर भी कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन लगने वाले नहीं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ नए अमेंडमेंट्स हैं जो आप ध्यान रखोगे, बराबर। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है, मैंने एक क्वेश्चंस की बुक आपको प्रोवाइड कर दी थी जिसमें एक्सेप्ट ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आज तक बने हुए हैं, जो प्रैक्टिस मैनुअल में है, प्रैक्टिस जंक्शन नाम से एक बुक मैंने प्रोवाइड कर दी थी, बराबर, उसमें वो सारे क्वेश्चंस, हाँ ये वाले इसमें दे रखे हैं आपको, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और कंपनी ऑडिट भी है, फर्स्ट भी है, सेकेंड भी, सब कुछ है, बस ऐसे के क्वेश्चन इसमें नहीं है, उसमें हम थोड़ा सा लेट हो गए क्वेश्चन प्रिपेयर करने में। तो यहाँ मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया है प्रैक्टिस मैनुअल के कौन से पेज पर कौन सा क्वेश्चन ऐसे से कनेक्टेड है, देख रहे हो आप, पूरा लिस्ट दी है। तो उसमें मैंने क्या दे दिया आपको, जैसे ऐसे 200 है, इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 1.3 पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो ऐसे 200 का है। ये है इंग्लिश के प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से, ध्यान रखें, बराबर, इंग्लिश के हिसाब से है, हिंदी के हिसाब से नहीं है ये। तो सारा दे दिया है मैंने, तो इसमें लगभग लगभग जितने ऐसे इस पे क्वेश्चन आज तक पूछे गए एग्जाम में उन सब की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप करेंगे क्या, जब भी अपने ऐसे की तैयारी करें, नहीं तो क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ऐसे की तैयारी जब करो ना, तो अब जैसे क्या हुआ, जैसे फर्स्ट चैप्टर उठा करके बैठे तुम, नेचर ऑफ ऑडिटिंग तुमने पढ़ा, उसका प्रैक्टिस मैनुअल उठाया, अब बीच बीच में ऐसे के क्वेश्चन भी घुसे हुए हैं, तो मैंने क्या कर दिया कि ऐसे के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो तो उसमें डाल दिए, किसमें, वो जो प्रैक्टिस जंक्शन आपको दिए, ताकि वो ही उतना ही पढ़ना रहे, और जब ऐसे पढ़ो तो ऐसे के क्वेश्चंस यहाँ से उठाना कि प्रैक्टिस मैनुअल में ये चार जगह पे दिया है। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में भी ये ऐसे 200 तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही है, कैसे पता लगा मुझे, कैसे पता लगा, पेज नंबर देखो ना, 1.3 1.17 1.19 और 1.29, इससे पता लग गया चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है आपको वहां पे, ठीक है। अब जैसे ऐसे 230 देखो, 230 पे फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, बराबर। अच्छा ऐसे 299 ज्वाइंट लाइब्रेरी वाला देखो, सेकंड चैप्टर में भी है और साथ साथ में सेवन चैप्टर में भी है,
तो जहां जहां जो जो क्वेश्चन पूरा पढ़ा हुआ है मैंने सारा इसके अंदर आपको दे दिया। ऐसे 570 देखो गोइंग कंसर्न वाला किधर किधर दिया है उन्होंने, फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, यहां तक कि 8th चैप्टर में भी इसका क्वेश्चन दिया है। तो इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस ऐसे का किधर पड़ा हुआ है, वो अपन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे, हेल्प हो जाएगी इससे, बराबर। अब बात करते हैं थोड़ा सा आरटीपी पे। इस बार की आरटीपी किन किन लोगों ने करी अभी तक कि नहीं करी बताओ भाई मुझे, आरटीपी करी कि नहीं करी? देखी शक्ल, देखी आरटीपी की, देखनी पड़ेगी यार आरटीपी, जरूरी है। अभी तू क्या टैप के अंदर लेके आया साथ में आरटीपी? तो अगर आप आरटीपी को देखेंगे तो स्टार्टिंग पेजेस तो ये सारे छोड़ देने हैं, काम के है ही नहीं। जो जो इसमें अमेंडमेंट है मैंने आपको अलग से नोट्स दे दिए, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो सर किधर से पढ़ना है आरटीपी में? जहां दे रखे हैं क्वेश्चन एंड एंसर्स, बराबर। मेरे इसमें पेज नंबर 126 से शुरू हो रहे हैं। देखो आपके उसमें क्या है, पेज नंबर तो वही होना चाहिए, 126 क्वेश्चन एंड एंसर्स, बराबर, मिल गए। अब आरटीपी के क्वेश्चंस एग्जाम में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और अपने को पता लग जाएगा, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैंने वाउचिंग वेरिफिकेशन पे एक वीडियो अपलोड किया था ग्रुप के अंदर, जो जो ग्रुप में है उनको ध्यान होगा, और उसमें मैंने एक खास बात बोली थी कि पिछले कई दिनों से मैं एक कॉपी लेके भी आया, कुछ स्टूडेंट कॉपीज लेके आए जिनको वाउचिंग वेरिफिकेशन में नंबर नहीं मिल रहे हैं, आ ही नहीं रहे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8-9 से ज़्यादा नहीं आ रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप बहुत जनरल पॉइंट लिख के आ जाते हो। मैंने उसमें एक एग्जाम्पल डाला, जैसे फॉरेन ट्रेवल चेक करना है, तो फॉरेन ट्रेवल में क्या किया सर, वो हम बिल देख लेंगे, हम बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे, ये देख लें, फर्जी पॉइंट सारे, वो तो सब लिख रहे हैं, तो खास बात आपने क्या लिखी। तो एक तो ये कि एक दो पॉइंट उसके अंदर बहुत खास डालो, टूर रिपोर्ट देखो, टूर रिपोर्ट देखो, क्या पता वो टूर जिस पर्पज के लिए गया तो उसकी रिपोर्ट तो चेक करो ना कम से कम। दूसरा, आप जो कि फॉरेन एक्सचेंज है तो आरबीआई की परमिशन ली कि नहीं ली, नोट एक्सचेंज कराए होंगे, तो ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट डालो। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट आपसे डायरेक्ट पॉइंट चाहता है, कोई हेडिंग भी नहीं चाह रहा है वो, कि आप हेडिंग लगाओ पहले वाउचर देखें, फिर सेकंड हेडिंग में हमने ये स्टेटमेंट देखें, ये एविडेंसेस देखें, लिखो तो मना नहीं है, लेकिन आप अपने मॉड्यूल के, या इवन मैंने आपको जो बुक दी है इसमें मैंने जो पैटर्न यूज किया है वो देखना आप, वही चाह रहा है ACA, उसके मैंने नंबर ही नहीं देगा, वो डायरेक्ट पॉइंट लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने पॉइंट है लिखो आप, तो आपको नंबर मिल रहे हैं। ऐसे चालू फालू पॉइंट में तो नंबर नहीं मिल। दूसरा, घास काटी आपने ऐसे जो मन आया पॉइंट लिख दिया, जो पहले याद आया वो पहले लिख दिया, तो आपको बहुत बड़ा स्कोरिंग है वाउचिंग वेरिफिकेशन, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब पहली चीज, पेपर देख करके घबराना मत। ऑडिट का कोर्स यूं देखो तो अथा सागर है, ठीक है। आरटीपी में तो क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो तुम्हारा दिमाग चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, उधर तो मिलेगा नहीं। दूसरा, करेक्ट और इनकरेक्ट में तो अपने को ही पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किधर से आया, उसमें तो चैप्टर का पता लगा ही नहीं सकते हो सिर्फ कंपनी ऑडिट के अलावा, ठीक है। तो मैं सब पे बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक पॉइंट और कुछ एक ऐसे पे कौन से क्वेश्चन आए उन पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आपसे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट के कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान है ना आपको, कितने आते हैं एग्जाम में, 8 के 10, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 10 आते हैं, 8 करने होते हैं, 2 नंबर का ईच रहेगा अपना, अच्छा पार्ट है। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट विद रीजन इन शॉर्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। मेरा पहला सजेशन आपसे, अभी मैंने अभी करंट वालों का टेस्ट भी लिया था ऑडिट का, कल उनको कॉपीज भी दिखाई, तो जैसे पूछा करेक्ट इनकरेक्ट है, तुम लिख रहे हो यस और नो, क्यों लिख रहे हो यस और नो? अच्छा, एक में करेक्ट, दूसरे में यस, तीसरे में फिर इनकरेक्ट, चौथे में नो, क्या भाई टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जो करेक्ट और इनकरेक्ट ऊपर पूछा है तो वही लिखो ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, पहले रीजन एंड फिर आंसर नहीं देना है, पहले आंसर दे दो वेदर करेक्ट और इनकरेक्ट, फिर मैटर लिखो। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मे बी आपने लिखा करेक्ट, एक्चुअल में आंसर था इनकरेक्ट, लेकिन अंदर का मैटर इनकरेक्ट को ही सपोर्ट कर रहा है,
वो बिल्कुल सही सही आपने लिख दिया तो भी नंबर मिलने के चांसेस बनेंगे, इसलिए अंदर का मैटर भी मस्त लिखो, एकदम बढ़िया वाला लिखो। देखो क्या लिखा है, अपन ये 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बस, ताकि करेक्ट एंड करेक्ट की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, आपको मैंने ये जो प्रैक्टिस वाली बुक दी है, इसमें मैंने 45 करीब क्वेश्चन डाले हैं जो करेक्ट और इनकरेक्ट बेस पे ही है। एक साथ 45 क्वेश्चन डाले हैं, 45 क्वेश्चन दे के रखे हैं जो आज तक के पिछले 4-5 अटैम्प के अंदर पूछे गए हैं आपसे, बराबर। तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। कुछ टाइम पहले ग्रुप में भी ये PDF विजेंट डाला होगा, कोई कोई डालता रहता है, उसमें भी डाले हुए थे। हाँ, इसमें दे रखे होंगे, नाम ये दिया है मैंने, करेक्ट एंड करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उनके आंसर पढ़ के जाना, घूम फिर के वो क्यों आते हैं। देखो क्या लिखा है, The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intent users in financial statement. क्या कहते हो, ट्रू है 100%? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? ऑडिट का पर्पस क्या है? हमारे कॉन्फिडेंस, जो यूजर्स का कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो। आंसर क्या लिखोगे इसमें? हम करेक्ट तो लिखोगे, आगे क्या लिखोगे? आगे लिखोगे क्या? यहां अपन फंसेंगे, है ना, क्योंकि कोई लॉ का प्रोविजन तो है नहीं। तो मैं वो पढ़ता हूं जो ICAI ने लिखा, करेक्ट। एज पर SA 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। मेरी वो लाइन याद करो जो मैंने बार बार क्लास में बोली थी, ऐसे का नाम जरूर लिखना, नंबर उसी के मिल जाएंगे। इसे पूरा चाहता तो सीधा लिख सकता, बिना ऐसे का नाम लिखे भी आंसर लिख सकता था, जरूरत क्या थी। और खाली ऐसे 200 करके लिख देता आंसर में, ऐसे 200 और उसका पूरा नाम लिखा है, और नाम लिखने के बाद लिखा है द पर्पस ऑफ एन ऑडिट टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंट यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो क्वेश्चन वाली लाइन ही तो लिखी, और क्या लिखा है, ऐसे का नाम लिख दिया। दिस इज अचीव बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय द ऑडिटर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्चुअल में ऑडिट की जो डेफिनेशन आपको दे रखी है एग्जैक्टली वही इन्होंने लिखी, और क्या लिखा, यही तो रीजन है। ऑडिटर का काम ही यही है, गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और इससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सीधी बात है। तो ऐसे जहां पे भी लिखो उसका नाम पूरा पूरा लिखो तो नंबर मिलेंगे। सर हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, ऐसे का नाम तुम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पूरा चलेगा, अलाउड है, क्योंकि ऐसे हैं। ऐसा कोई, इसकी हिंदी तो बहुत खतरनाक लिखनी पड़ेगी अपने को, बराबर, तो इंग्लिश अलाउड है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो मेरे साथ में क्या है। प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट। अब डिस्क्रीट फेज का मतलब प्लानिंग जो है वो ऑडिट से अलग है, साथ ही तो है, तो मेन पार्ट है अपना, बराबर। भाई जब भी इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट नेचर एक्सटेंड एंड टाइम, वी हैव टू प्लान द ऑडिट फर्स्ट। ऑडिट का प्रोसीजर प्लानिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वही पॉइंट अपने को इसके अंदर लिखना है। ये आंसर में लिखा हुआ भी है वहां पे, ठीक है। तीसरा बताना, सफिशियंसी इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। चलो याद कराता हूं तुमको, सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, याद आया? सफिशियंट का मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी, और इन्होंने क्या पूछ लिया, सफिशियंसी का मतलब क्वालिटी से होता है, ना ना इसका मतलब तो क्वांटिटी से होता है। अब ICAI ने इसका आंसर में क्या लिखा होगा, अब मस्त आंसर देखो, आप लोग दो लाइन में खत्म किया है। पहले दोनों के आंसर 5-5 लाइन में थे, जबकि इसका आंसर सिर्फ 2 लाइन में ICAI ने खत्म किया। सफिशियंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी। वही तो समझाना था, देर आर सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, सफिशियंसी रेटेड विद क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस रेटेड विद क्वालिटी, बस लिख दिया, आंसर खत्म हो गया। तो आप खुद ही देखो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 10-12 लाइन लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिख करके आओ तो नंबर मिलेंगे। फोर्थ देखो, ये 10 के 10 करना है अपने को। फोर्थ देखो, द मैथड विच इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन टू ग्रुप ऑफ आइटम इज नोन एज ब्लॉक सैम्पलिंग। फॉल्स है, ये ब्लॉक सैम्पलिंग होती नहीं है। ब्लॉक सैंपल, अपने सैंपलिंग के मेथड्स पढ़े हैं, रैंडम सैंपलिंग पढ़ा है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पढ़ा है, उधर ही ब्लॉक सैंपलिंग भी पढ़ा है अपन ने, बराबर। देखो आंसर चेक करो क्या दे रखा है आंसर में, दे रखा इनकरेक्ट।
this method, the method which involved dividing the population into group of item is known as cluster sampling. Isko cluster sampling bolte hain. Whereas block sampling involved the selection of a defined block of consecutive items ka matlab ek jaise item ka ek group. Acha block ka matlab tum jante bhi ho. Depreciation mein nahi padha. Income tax act ka section 32 barabar ब्लॉक डेप्रिसिएशन लगा देना एक जैसी जो एसेट्स है उनका एक ब्लॉक बना के फिर उस पर डेप्रिसिएशन देते हैं वही तो है तो उस ब्लॉक सैम्पलिंग में भी वही चीज होती है बराबर अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर देखो एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एनालिटिकल प्रोसीजर द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ क्या लिखा है Plausible relationship among the financial data only. Sir, ये क्या था? Analytical procedure में हमने किया क्या था? हमको तो पता ही नहीं था. याद करो मैंने आपको कहा था, analysis करना, ratios निकालते हैं अपन इसमें. Ratios निकाल के पुराने और अभी को अपन check करते हैं. याद आया? भाई पुराना ratio हमारा ये बोल रहा था, analysis किया, इस बार हमारा GP बड़ा क्यों, कम क्यों हुआ, purchase में changes किया, वही तो है. Answer देखो, सारे लगभग incorrect ही हैं. देखो क्या लिखा है? इनकरेक्ट ये तभी कर पाओगे जब ऐसे का नॉलेज होगा एनालिटिकल प्रोसीजर द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा जैसे आप पढ़ोगे अपनी बुक में ऐसे 520 उठा करके देखना उसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है कि दोनों होते हैं इसमें फाइनेंशियल भी एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली कंपेयर करेंगे एनालिसिस में अपन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही मैटर को करते हैं चेक क्लियर लिखा हुआ है उसमें ठीक है अच्छा अगला बता दो यार अगला तो बहुत आसान है डायरेक्टर्स रिलेटिव कैन एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी बोलो नो कौन सा सेक्शन मना करता है याद हो तो मजा आ जाएगा सेक्शन 141 ही है ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का उसके बाद में 143 है वो तो राइट्स एंड ड्यूटीज का है याद करो हाँ 141 के सबसेक्शन में ये बात सही है और सबसेक्शन नहीं याद रहे तो कम से कम 141 तो लिखना ही है अच्छा अगला बताओ ये भी तुम जानते हो द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी वांटेड टू रेफर टू मिनट्स बुक ड्यूरिंग ऑडिट बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू शो द मिनट बुक टू द ऑडिटर बीओडीज अपने को मिनट बुक देने को तैयार नहीं है आपको जो मैंने बुक दी ना उसके क्वेश्चंस में भी है ये ऑडिटर हैव राइट टू एसेस ऑल दी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स 143 सेक्शन में दे रखा है और उसके अंदर मिनट बुक भी इंक्लूड है वहां से अपने को आंसर लिखना पड़ेगा अगला क्वेश्चन देखो जल्दी ये भी पता है आपको द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन इट्स मीटिंग After 10 days from the date of registration, फर्जी बोलो कौन करता है फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में सी ए जी करता है बराबर तो बोर्ड को तो पावर ही नहीं है प्रोविजन लिखना है अगला अ चार्टेड अकाउंटेंट होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एस लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू 950 इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट बोलो डिस्क्वालिफाई है 141 के अंदर ही है बराबर एक चीज बताओ 1 लाख तक की सिक्योरिटी तो रख सकता है ना सिर्फ रिलेटिव को ये एग्जम्पशन है उसको खुद को नहीं है आंसर आप जानते हो वो लिखना है लास्ट क्वेश्चन देखो द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन वेदर द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल FRF क्वेश्चन समझ में आया सब कुछ सही होते हुए भी ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट देना चाहता है बोलो है ना सब कुछ ठीक है दे सकता है क्या कैसी देनी चाहिए अनक्वालिफाइड आंसर देखें इसका चलो आंसर पढ़ता हूं इनकरेक्ट द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल FRF बहुत सीधा सा है बराबर ठीक है अच्छा एक चीज लास्ट देखो इससे ऊपर अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर देखो क्या लिखा है
एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अ पर्सन इज डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ ही होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। देखो सेक्शन लिखा है क्या इन लोगों ने? देखो सेक्शन भी नहीं लिखा है, तो याद रखिए सेक्शन लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेक्शन को लिखने की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लिखते हैं तो थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई लिखने से नहीं लिखने से मार्क्स कटने वाले नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अपना मेन है, आरटीपी के करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस थोड़े ढंग से करने हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन 100% वही करोगे जो बेटर तरीके से आपको आता हो। ज़्यादातर लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं क्योंकि सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही तैयार होता है अपना, करिए मना नहीं है उसमें आपको, बट जैसा ढंग से करना है उसी तरह से करिएगा, नहीं तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप ढंग से करें तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी होगी, बराबर। कुछ बात और करनी है मुझे आपसे, डाउट्स के ऊपर कुछ बात करनी है, लेकिन अभी हमारी रिकॉर्डिंग के लिए इतना काम काफ़ी है, इसीलिए पहले इसको कर देते हैं अपन स्टॉप।